नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीजीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। इटावा बर्तना कोतवाली ग्रामीण क्षेत्र में गोपियागंज में उस समय सनसनी फैल गई जब बुजुर्ग किसान शोभाराम शाह के 80 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय जैसी राम शाह के का शव खेतों के निकट गुजरे माइनर में पड़ा देखा। मृतक किसान के शव पर कई जगह चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दिन दहाड़े बुजुर्ग किसान का शव सूखे माइनर में पड़ा होने की खबर मिलते ही पुलिस से पहले परिजनों समेत सैकड़ों ग्रामीण का हुजूम घटनास्थल पर उमड़ पड़ा, जहां परिजन रो रोकर हत्या का आरोप लगा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी अतुल प्रधान, प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मृतक किसान पत्नी धनवंती शाक्य ने बताया कि उनके पति शोभाराम रोज की तरह खेतों में खड़ी मक्का की फसल की रखवाली करने गए हुए थे, लेकिन मात्र 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने उनका शव माइनर में पड़ा देख सूचित किया। मृतक के पुत्र राम नरेश, श्याम सिंह, राम सिंह समेत अन्य परिजनों ने शव पर चोटों के निशान देखते हुए हत्या का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि बगैर पोस्टमार्टम के कुछ कहना ठीक नहीं है, रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। हमारे बाबा थे, ये दोपहर से गए खेत पे, वापस नहीं लौट के आए, पता नहीं कैसे क्या हुआ, खेतों पर मिले हैं और बम्बा के पास में। 6 बजे का टाइम, ये 6 बजे का टाइम था। मतलब आप लोगों को कैसे पता चला कि नहीं, घर से गए थे, हमारे भाई हैं वो गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि नाली में मतलब पड़े थे, जैसे मतलब देखे यहाँ गिरे पड़े हैं, जैसे मतलब देखा उन्होंने, ये तो बाबा इनकी तबीयत ज़्यादा, फिर उठा के देखा हाँ तो पैर में बहुत चोट है उनके, पता नहीं कैसे क्या हुआ है। हाँ डेली जाया करते थे, डेली आया करते थे, सुबह दिन 3-4 बार जाया करते थे दिन में। आज दोपहर में नहीं आए, आज दोपहर में नहीं, घर पे ही आए। कोई तबीयत वगैरह खराब? नहीं, बिल्कुल चलते थे, ठीक थे, बिल्कुल थे आराम, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, बिल्कुल ठीक थे हमारे बाबा। श्री शोभाराम साहब के कितनी उम्र रही होगी? 80 है। 80